अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग FSC पार्ट 1 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 एग्जांपल 3.1 सॉल्व करेंगे और साथ हम लोग असाइनमेंट 3.1 भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें एग्जांपल में हमें क्वेश्चन गिवन है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज द मोशन ऑफ बाइसाइकिलिस्ट विद इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अंदर बॉडी जो हमारे पास जो बाइसाइकिलिस्ट है साइकिल चलाने वाला वो साइकिल चला रहा है, ठीक है। तो हमने क्या फ्रॉम द स्लोप ऑफ द ग्राफ हमने इस ग्राफ से क्या कैलकुलेट करना है, इस ग्राफ से हम लोगों ने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है ए और बी के दरमियान में, बी और सी के दरमियान में, सी और डी और डी और ई के दरमियान में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। एवरेज का क्या मतलब होता है, टोटल, टोटल हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और इसके बाद टोटल का क्या मतलब है कि ए से लेकर ई तक का, यानी डायरेक्ट ए से ई तक का हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। और नेक्स्ट लास्ट हमने क्या काम करना है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इसके लिए बनानी है, ठीक है। क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास इसके ग्राफ है तो इससे हम लोग एक्सेलरेशन भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों की आसानी के लिए मैंने यहाँ पे ग्राफ बना लिया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिलिस्ट बिटवीन सेगमेंट ए एंड बी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया मैंने ए एंड बी, ए एंड बी के दरमियान हमने को ना क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी एफ माइनस टी आई, ठीक है। दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, अब फाइनल पॉइंट कौन सा होगा, बी होगा। इनिशियल पॉइंट मेरे पास कौन सा होगा, ए होगा। बी हमारे पास वेलोसिटी इस वक्त कितनी है, इसकी 10 है और इसका जो टाइम है 4 है, ठीक है। 10 और नीचे क्या लिख दूंगी 4 माइनस माइनस इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, 0 है। इनिशियल टाइम इसका क्या है, 0 है, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 बाय 4 मेरे पास क्या आ जाएगा, 2.5, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। स्टूडेंट्स ये आप लोग पास अब ए टू बी आ गया है। अब इसके बाद हम लोगों ने बी टू सी फाइंड आउट करना है। बी टू सी के लिए भी हम लोग कुछ ऐसा ही काम करेंगे, बी टू सी फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे फाइनल क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इनिशियल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो फाइनल सी की वेलोसिटी कितनी है, 15। सी की वेलोसिटी मेरे पास क्या आ गई, 15। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास क्या आ गई है, 10। और इसके सी का हमारे पास जो टाइम है कितना आ गया, 8, और इनिशियल टाइम क्या आ गया, 4, ठीक है। अभी मैंने डायरेक्ट लिख दिया फॉर्मूला लिखे बगैर, तो यहाँ पे मेरे पास माइनस करके 5 आ जाएगा, यहाँ मेरे पास 4 आ जाएगा। 5 / 4 मेरे पास क्या आता है, 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। स्टूडेंट्स ये आप लोगों का आंसर आ गया है। इसके बाद हम लोगों ने फाइंड आउट करना है सी टू डी का, सी टू डी, बी टू सी हमने फाइंड आउट करनी है, सी टू डी करना है। सी में हमारे पास, सी हमारे पास क्या बन जाएगा, इनिशियल, डी हमारे पास फाइनल बन जाएगा, ठीक है। ए इक्वल टू इनिशियल की वेलोसिटी कितनी है, 15, और फाइनल की वेलोसिटी कितनी है मेरे पास, 0, फाइनल पहले लिखा जाएगा, उसके बाद इनिशियल की वेलोसिटी कितनी है, 15 डिवाइडेड बाय, और जो हमारे पास फाइनल टाइम है वो कितना है, 12। डी कितने पे, डी का पॉइंट कहाँ पे आके रुक रहा है, 12 पे, 12 सेकंड पे, माइनस इनिशियल टाइम मेरे पास कितना आ गया, ये पास आ गया 8। इनिशियल इसका टाइम कितना है, 8, ठीक है। इसका यहाँ से हम लोग अगर इसको यहाँ से गिरा के दिखाएं तो आप लोग पास ये 8 आ रहा है, ठीक है। तो माइनस 15 डिवाइडेड बाय 4 मेरे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस 3.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे पास ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन फ्रॉम पॉइंट सी टू डी। अब इसके बाद डी टू ई फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे मैंने डी टू ई लिख दिया है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल हमारे पास क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा, इनिशियल डी बन जाएगा। अब यहाँ पे फाइनल जो होगा उसके साथ नेगेटिव साइन भी होगा, क्योंकि हम लोग जो हमारे पास एक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ गए, वाई एक्सिस की तरफ आ गए हम लोग, ठीक है, एक्स एक्सिस नहीं वाई एक्सिस, ठीक है, फोर्थ क्वार्टर में हम लोग आ गए हैं। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो गया, फाइनल की वेलोसिटी माइनस 5, इनिशियल की वेलोसिटी 0 डिवाइडेड बाय फाइनल का टाइम 16 और इनिशियल का टाइम 12, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं फाइनल की वेलोसिटी हमारे पास कितनी, माइनस 5, फाइनल का टाइम 16, इनिशियल की वेलोसिटी 0, इनिशियल का टाइम 12, ठीक है। यहाँ से हमारे पास माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ आपके पास तमाम पॉइंट्स का एक्सेलरेशन निकल आया है। अब हम लोगों ने एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एवरेज एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है, कि हम लोग सिंपली क्या कर देंगे कि ए टू ई का डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। ए टू ई का डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे पार्ट भी लिख देते हैं। ए टू ई का डायरेक्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए को मैं इनिशियल ले लूँगी और बी ई को मैं फाइनल ले लूँगी और उसके टाइम को भी मैं इसी तरह करके ले लूँगी, ठीक है। अब हमारे पास फाइनल क्या आ गया, ई आ गया, ई का फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, माइनस 5, और ए का हमारे पास कितना है, ए के पॉइंट के ऊपर जब था तो हमारे पास ये क्या आ गया, वेलोसिटी 0, और हमारे पास इसी तरह करके ए के ऊपर जो टाइम है वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, और जो हमारे पास फाइनल का जो टाइम है वो 16 आ जाएगा, माइनस 0। अब माइनस 5 डिवाइडेड बाई 16 ये हमारे पास किसके बराबर आता है, 0.1325 के बराबर आता है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 0.3125
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास एवरेज निकल आई। एवरेज का मतलब है कि हम अभी जो हमने जितना फाइंड आउट किया ना, ये जब सेगमेंट में किएगी हमारे पास इंस्टेंटेनियस बन गया। ठीक है, एवरेज में हम लोग तमाम टोटल नेट टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय नेट टोटल चेंज इन टाइम, यानी टोटल टोटल टाइम को हम लोग टोटल वेलोसिटी से डिवाइड करते हैं, हमारे पास एवरेज निकल आता है। अब इसके बाद हम इसी जो हमारे पास जो एक्सेलेरेशन के लिए जो हमने वैल्यूज़ निकाली है ना, पॉइंट ए के पॉइंट एट से बी, बी से सी और डी, सी से डी, डी टू ई, अब इसको हम लोग ग्राफ की सूरत में बनाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे अब ग्राफ बनाएंगे एक्सेलेरेशन के लिए भी। तो अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ग्राफ के लिए थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि यहाँ पे हमारे पास जो टाइम मैंने लिए 4, 8, 12, 16, 20, ये कि मैंने क्यों लिया। अब यहाँ पे अगर आप नीचे टाइम देखें सबके जो सब सेगमेंट्स के टाइम देखें, ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है, ये 16 है। तो इसी तरह मैंने इस तरह टाइम दिया और जो हमारे पास एक्सेलेरेशन आ रही है वो पॉइंट्स में आ रही है, तो उसके लिए हम लोग अभी मैनेज करेंगे साथ ही। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें, फर्स्ट हमारे पास ए टू बी एक्सेलेरेशन है 2.5 है, 2.5 हमारे पास तकरीबन यहाँ पे आता है, 2.5 हमारे पास यहाँ पे आता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्योंकि हमारे पास तीन तीन बॉक्सेस का गैप, दो दो बॉक्सेस का गैप है, तो मैं यहाँ पे 3 कर देती हूँ, तो मेरे पास 2.5 यहाँ पे आता है। ठीक है, 2.5 ये आ गया, मेरे पास ये पॉइंट ए बन गया। ठीक है, अब ए टू बी है, ए टू बी और टाइम कितना है 4 है, इसका क्या मतलब है कि ये 4 तक हमारे पास बी बन जाएगा, यानी इसको 4 के ऊपर इस तरह यहाँ पर इसको मैं पॉइंट बी बना दूँगी। मेरे पास पॉइंट बी बन गया और ये मेरे पास 4 तक सेम रहा है। ठीक है, 2.A to B तक हमारे पास पॉइंट क्या सेम रहा है 4 सेकंड तक के लिए। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या करना है, अब बी टू सी मेरे पास कितना है 1.25 है ना, 1.25 का भी हाफ होता है, तो 1.5 का भी मैं हाफ करूँगी, तो मेरे पास यहाँ पे आता है तकरीबन। अब इसको मैं यहाँ से डाउनवर्ड गिराऊंगी, डाउनवर्ड यहाँ से लाई हूँ क्योंकि 8 और 4 के दरम्यान में, तो 4 और 8 के दरम्यान लाऊंगी और यहाँ से मेरे पास ये सीधा जाएगा कहाँ तक, क्योंकि हमारे पास ये क्या है 1.25 है, तो हमारे पास 8 तक जाएगा। अब इसका लास्ट टाइम कितना है 8 तक है ना, 4 और 8 है, तो मैं यहाँ तक 8 तक लेके जाऊँगी इसको। ये मेरे पास आ गया, मेरे पास पॉइंट बी बन गया और मेरे पास पॉइंट सी बन गया। अब पॉइंट बी और सी के दरमियान भी हमारा काम हो गया। अब इसके बाद मेरे पास क्या है सी और डी के दरमियान में 3.75 माइनस साइन को आप लोगों को निगलेक्ट नहीं करना। अब इसके बाद मैं यहाँ से इसको डाउनवर्ड लेके आती जाऊँगी और मेरे पास कितना आ जाएगा ये माइनस 3.75। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन ये आते हैं, अगर आप लोग अपनी बुक्स पे भी देखें तो थोड़ा सा 3 से डाउनवर्ड है ज़्यादा, मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह कर रही हूँ। तो ये पास ये क्या हो गया सी पॉइंट हो गया। अब सी, अब ये कितने टाइम के लिए 12 और 8 के दरमियान, यानी 8 और 12 के दरमियान के है, तो फिर यहाँ पर मैं 12 के बिल्कुल सीट तक मैं ले आऊँगी इसको और मेरे पास पॉइंट डी बन जाएगा। ठीक है, सी और डी, अब सी और डी का भी हमने लगा दिया, अब डी और ई का लगाना है और ये बस कितना है माइनस 1.25। अब इसको मैं ऊपर लेके जाऊँ, 1.25 ऊपर है ना माइनस का, तो मैं उसको ऊपर लेके आऊँगी और ये बस कितना हो जाएगा, इतना मेरे पास 1.5 होता है तो 1.25 इतना कुछ हो जाएगा, यानी 1.5 इतना हो रहा है तो 1.25 इसका हाफ हो जाएगा और ये मेरे पास क्या बन गया, मैंने एक लाइन लगा दी बिल्कुल अपवर्ड क्योंकि हमारे पास 1.25 ऊपर आ रहा है माइनस, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये पॉइंट डी बन जाएगा डी, और ये कितने टाइम के लिए 16 और 12, यानी 12 और 16 तक के लिए, और मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट ई। ठीक है, पॉइंट ई आ गया। तो उम्मीद करती हूँ ये बात आपको क्लियर होगी होगी, हमने बिल्कुल आसान तरीके से एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ यहाँ पे शो किया है और अपने इस डाटा के हेल्प से सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ए और बी को देखा, ए और बी हमारे पास क्या आ रहा था 2.5 3 और 2 के बिल्कुल मिड में होता है, और उस बाद हम लोगों ने नेक्स्ट देखा 1.25 था, बी से हम लोग डाउनवर्ड लेके गए और ये कितने टाइम के लिए था 4 के लिए था, 4 सेकंड्स के लिए, 4 सेकंड तक के लिए रखा। इसी तरह करके हम लोगों ने ये ग्राफ कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये एग्जाम्पल आप लोगों को अच्छी समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग असाइनमेंट करते हैं, असाइनमेंट 3.1। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने असाइनमेंट 3.1 लिख ली है, तो यहाँ पे हमें कहा हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें गिवन है और मोशन ऑफ कार इन स्ट्रेट लाइन बाय रीडिंग द स्केल केयरफुली। अगर आप लोगों के पास ग्राफ पेपर हो तो आप लोग ग्राफ पेपर से करें, तो अगर इस स्केल को आप लोग केयरफुली रीड करें, उस पर आपने क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलेरेशन ऑफ द कार बिटवीन द सेगमेंट ए एंड बी, ए एंड बी के दरमियान में एक्सेलेरेशन, बी और सी के दरमियान में, सी और डी के दरमियान में, डी और ई के दरमियान में एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है। लास्ट में हमने क्या करना है कि एवरेज एक्सेलेरेशन की को हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्सेलेरेशन बिटवीन ए टू बी, ए टू बी के दरमियान हमारे पास एक्सेलेरेशन कितना है और क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू बी हमारे पास फाइनल बन जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी 55
अब इसको आप लोग ग्राफ से पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ आएगी, क्योंकि हमें कहा है कि वन स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 5 मीटर सेकंड और वन स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेकंड, यानी टाइम के लिहाज से आप लोगों ने 1 सेकंड पढ़ना है इसको, वन स्मॉल बॉक्स को, और वेलोसिटी के लिहाज से आप लोगों ने 5 पढ़ना है, ठीक है। तो 55 माइनस इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास कितनी है 25 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम मेरे पास कितना है 3 और इनिशियल टाइम मेरे पास कितना है 0, ठीक है। मेरे पास ये क्या आ जाएगा 55 माइनस 25 और 0 3 डिवाइडेड बाय 3, मेरे पास ये क्या आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मींस हमारे पास एक्सेलेरेशन ए टू बी के दरमियान में क्या आ गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास क्या है एक्सेलेरेशन बिटवीन बी एंड सी, बी टू सी हमने फाइंड आउट करना है एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी। अब अगली बार मैं ये फॉर्मूला दोबारा नहीं लिखूंगी, आप लोगों को याद तो हो गया होगा। फाइनल वेलोसिटी मेरे पास क्या हो जाएगी एक्सेलेरेशन बी और सी के दरमियान में, सी मेरे पास फाइनल बन जाएगा और इसकी फाइनल वेलोसिटी मेरे पास कितनी 55 ही होगी, और बी की मेरे पास कितनी होगी 55 ही होगी, और इसका फाइनल टाइम मेरे पास क्या है 7 और इसका मेरे पास क्या है 3। तो मैं इसको माइनस करूँगी तो मेरे पास 0 माइनस 0/4 आ जाएगा, जिसको हमारे पास आंसर अगेन क्या आ जाएगा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया वेलोसिटी में, सो देयर इज एक्सेलेरेशन 0। बी टू सी के बाद सी टू डी फाइंड आउट करना है हम लोगों ने एक्सेलेरेशन। तो एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, अब फाइनल मेरे पास क्या बन जाएगा डी बन जाएगा, और डी का हमारे पास वेलोसिटी कितनी है 2 माइनस इसका इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 55 जो सी की है, और फाइनल टाइम मेरे पास क्या है 10 और इनिशियल टाइम मेरे पास क्या है 7। 2 माइनस 55 मेरे पास क्या आ जाता है माइनस 53 डिवाइडेड बाय 3, और इसको मैं आगे फर्दर सॉल्व करूँ तो मेरे पास आ जाता है 13.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, ठीक है। एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन किसके दरमियान में सी और डी के दरमियान में, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि बॉडी डीसेलेरेशन हो रही है, रिटार्डेशन हो रही है बॉडी में, और ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा। सी टू डी के बाद हमारे पास क्या आ जाता है डी टू ई में मेरे पास एक्सेलेरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको भी बिल्कुल हम लोग ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने अभी किया। एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू हमारे पास ई फाइनल बन जाएगा, और ई की जो फाइनल वेलोसिटी 0 आ रही है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है डी की 2 है डिवाइडेड बाय ई का फाइनल टाइम क्या है 15, और डी का यानी जो डी हमारे पास इनिशियल पॉइंट है ना, तो फिर इनिशियल पॉइंट की जो टाइम है वो कितना है 10 है। तो माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 ये मेरे पास आ जाएगा माइनस 1.56 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मेरे पास एक्सेलेरेशन आ गई है डी टू ई के दरमियान में, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ तक बात आप लोग क्लियर हो गई होगी, मैं आप लोगों को दोबारा दिखा दूँ शायद कैमरे पर नजर ना आए हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग दोबारा देख लें आप लोगों का जो आंसर कैसे आता है, आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि एक्सेलेरेशन ऑफ ई को फाइनल ले लेना है, डी को इनिशियल ले लेना है, और इस तरह आप लोगों का जो एक्सेलेरेशन निकल आएगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ डी और ई को हम लोगों ने वेलोसिटी को फाइनल और डी को इनिशियल। अब इसके बाद हम लोगों ने लास्ट जो काम करना है हमारे पास पार्ट ए था, पार्ट बी हमारे पास क्या हो जाएगा एवरेज एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना था। एवरेज हमारे पास क्या होता है ये इनिशियल हो गया ये फाइनल हो गया, सिंपली फाइनल माइनस इनिशियल करूँगी, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास यहाँ पे कितनी है फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे मेरे पास आके 0 हो गई है, और इनिशियल मेरे पास कितनी थी 25 और फाइनल टाइम मेरे पास कितना है 15 और इनिशियल टाइम मेरे पास कितना है 0। 25 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 15, 5 5 से 25 5 3 से 15, और 3 और 5 मैं आगे फर्दर सॉल्व करूँ तो मेरे पास ये आ जाता है मेरे पास यहाँ पे आता है 1 माइनस 1.67 आता है, यहाँ पे बाई मिस्टेक मैंने गलत लिख दिया, तो 1.67 आता है, तो ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मेरे पास आएगा माइनस 1.56 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। स्टूडेंट्स आप लोग पास ये एक्सेलेरेशन आ गई किसकी एवरेज एक्सेलेरेशन आ गई, ठीक है। उम्मीद करती हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा, लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।